अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको लेके जा रहे हैं होम थिएटर में और वहाँ की सेटिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे होम थिएटर की सेटिंग करते हैं। ये हमने स्क्रीन ऊपर उठा दी है क्योंकि आपको एम्पलीफायर सेट करना सिखाना है, तो 5.1 या 7.1 या 7.2 कैसे सेट करते हैं। ये है जी एम्पलीफायर यामाहा DSP-863। इसको हमने ऑन किया है, ये इस वक्त है जी 2 चैनल पे, और इसकी सेटिंग में जाके आप ये नॉब है नीचे, इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये बाकी सारे जितने भी इसके हैं फंक्शन वो शो करेगा कि आपने कहाँ पर रख कर इसको देखना है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि इसकी जो इनपुट है वो भी 5.1 होगी तो ये 5.1 चलेगा, क्योंकि YouTube या और किसी मीडिया पे आप देख रहे हैं तो फिर 5.1 नहीं चलेगा। वो सातों स्पीकर आप इकट्ठे ऑन कर सकते हैं लेकिन 5.1 के इफ़ेक्ट नहीं आएंगे जब तक कि पीछे से आपको 5.1 सिग्नल ना मिले, और वो उसी सूरत मिलेगा कि आपका मीडिया प्लेयर 5.1 हो, जैसा कि नेटफ्लिक्स में 5.1 आपको सिग्नल मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको एक मीडिया प्लेयर लेना पड़ता है, मीडिया प्लेयर जो है वो 5.1 होना चाहिए। आप कंप्यूटर में भी 5.1 कार्ड लगा के तो 5.1 मूवीज़ डाउनलोड करके देख सकते हैं। मूवीज़ डाउनलोड हुई भी मिल जाती हैं 30-35 GB से लेके 50 GB तक, फिर इसका मज़ा आता है। अगर आप 4K में जाएंगे तो वो और ज़्यादा बड़ी मूवीज़ हो जाएंगी, वो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, तो इसके लिए आपके पास बड़ी हार्ड और एक अच्छा कंप्यूटर या एक अच्छा मीडिया प्लेयर होना चाहिए। मीडिया प्लेयर में बहुत सारी किस्में हैं, बल्कि हज़ारों किस्में हैं, वो मैं कल आपको दिखाऊंगा कि मैंने जो मीडिया प्लेयर रखे हुए हैं और 5.1 कैसे चलता है। आइए देख लें, सबसे पहले आपको 5.1 एम्पलीफायर चाहिए। ये है जी, उसमें स्पीकर ए में आपने लेफ़्ट में एक स्पीकर लगाना है, राइट में एक लगाना है, एक सेंटर में लगाना है, दो पीछे सराउंड हैं ये वाले और दो बैक सराउंड है, यानी टोटल ये 7 स्पीकर होंगे, और यहाँ पर 2 इनपुट्स आपने उसकी दे देनी है। ये देखिए जी, लेफ्ट स्पीकर, उसके बाद ये राइट स्पीकर जो आपके राइट से पे पड़ा होगा, इसके बाद ये है जी सेंटर स्पीकर जो कि सेंटर में से वोकल की आवाज़ देगा, डायलॉग वगैरह जो होते हैं। ये बड़ा अच्छा और तगड़ा स्पीकर होना चाहिए और फिर ही मज़ा आता है मूवी। इसी तरह ही आपने एक राइट साइड पे सराउंड लगाना, एक लेफ़्ट साइड पे, और उसके बाद पीछे वाले बैक 2 सराउंड, उसी तरह एक राइट और एक लेफ़्ट, ये दोनों आपके राइट और लेफ्ट पड़े होने चाहिए। ये अगर आपके पास बनाना प्लग नहीं है तो आप डायरेक्ट भी तार इस तरह लगा सकते हैं, ये इस तरह तार लगा के तो अपने करना है। उसके बाद ये है जी आपका सेंटर स्पीकर क्लिप्स का, और इसके साथ राइट पे भी क्लिप्स के टावर हैं और लेफ्ट में भी क्लिप्स का टावर है, और इसके साथ आपको एक वूफर भी चाहिए होता है जो कि ये साथ पड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये वाला वूफर पड़ा हुआ है, ये कम से कम 12 इंच तक का वूफर होना चाहिए आपके पास। ले जी, यहाँ पर हम वीडियो ख़त्म करते हैं और अल्लाह हाफिज़ आप सबका, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।